हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। स्कूली ज्ञान से जुड़ी हर अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। क्लास सिक्स में हम आज चैप्टर सेवन स्टार्ट करने वाले हैं। सो चैप्टर सेवन इज़ अबाउट द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। सो लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स वी आर स्टडी दिस अबाउट दिस टॉपिक फ्रॉम आवर यंगर क्लासेस। बहुत छोटी क्लासेस हम जो है लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करते आ रहे हैं। सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनाइजेशन। इन सब के बारे में हम ब्रीफ जो है नॉलेज लेने वाले हैं। एंड देन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट रिस्पॉन्स टू स्टिमुली। जो भी है स्टिमुली के अकॉर्डिंग हम कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, हमारा बॉडी रिएक्शन क्या होता है, ये हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन पार्ट। सो हियर इज़ द इंट्रोडक्शन। As you read this chapter, you may be sitting in your classroom. You have learned enough about non-living objects and living beings to know that you, your classmate, your teacher and the spider on the wall and the tree outside are living. अब जो है living things के बारे में हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। हमको पता है कि जैसे हम अभी ये पढ़ रहे हैं, हम या तो अपने क्लासरूम में हैं, अपने घर पे हैं, कहीं भी है, वहाँ बैठ के हम इस चैप्टर स्टडी कर रहे हैं। हमने पहले जो है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स और लिविंग ऑब्जेक्ट्स के बारे में जाना था, जैसे कि आप हो, आपके क्लासमेट्स है, आपके टीचर है, या फिर कोई भी स्पाइडर है किसी दीवार पर, या आपके जो है बाहर जो कोई ट्री है वो क्या है, लिविंग है। जबकि आपकी क्लास में या फिर आपके घर में जो आसपास का कोई सामान है, फॉर एग्जांपल चेयर हो गई, टेबल हो गया, बुक है, वो क्या है, सब नॉन लिविंग थिंग्स हैं। एंड दैट द चेयर, द टेबल, दिस बुक, योर पेन एंड पेंसिल आर नॉन लिविंग। स्टिल लेट यू डिस्कस वॉट द लिविंग एंड नॉन लिविंग हैव इन कॉमन एंड वॉट डिफ्रेंशिएट दैम। सो अब हमको ये देखना है कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में क्या क्या तो बातें कॉमन होती है और क्या क्या उनमें थोड़ी बातें हैं वो अलग होती है, वो हम देखेंगे। द लिविंग एज वेल एज द नॉन लिविंग आर मेड अप ऑफ मैटर। लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग जितनी भी हैं वो सारी किसकी बनी होती है, मैटर की बनी हुई होती है। एनीथिंग दैट इज़ मेड अप ऑफ मैटर हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। और जो भी चीज़ मैटर से बनती है उनका अपना खुद का मास होता है और वो जगह घेरती हैं। दस एवरीथिंग अराउंड अस वेदर लिविंग और नॉन लिविंग हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। सो इसलिए ये पक्की बात है, कन्फर्म है कि जितने भी आसपास हमारे पास चीज़ें हैं, चाहे वो लिविंग है चाहे वो नॉन लिविंग है, सबका अपना खुद का मास होता है, वजन होता है, और वो सब की सब अपना एक स्पेसिफिक जो है स्पेस है कवर करती हैं, ऑक्यूपाई करती है, घेरती है, रोकती हैं। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मॉलिक्यूल्स। और हमने जो है लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है किसी भी चीज़ का, मैटर का, वो होता है मॉलिक्यूल। These particles constitute living beings and non-living things. और यही पार्टिकल है मिलके लिविंग थिंग्स को भी बनाते हैं और यही पार्टिकल्स यानी कि मॉलिक्यूल्स मिलके नॉन लिविंग थिंग्स को भी बनाते हैं। बट दैट इज़ वेयर द सिमिलैरिटी बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग एंड्स। लेकिन यहीं पे जो है इनकी सिमिलैरिटी है वो चेंज जाती है कि हाँ, मैटर से मिलके बने होते हैं लिविंग भी नॉन लिविंग थिंग भी, बस एक ही सिमिलर पॉइंट से बाकी सारे डिफरेंट है। You can say that structural unit of water is a molecule of water. हम कह सकते हैं कि जो structural unit होती है water की वो जो है एक molecule होता है। A cup of water is simply billions of molecule of water. एक कप अगर पानी ले तो उसके अंदर कई billion molecule हो सकते हैं water के, बहुत सारे। But you cannot say this of living organism. लेकिन अब उसको water को living organism नहीं बोल सकते, मतलब living organism भी matter का बना है, इसका मतलब यह नहीं कि किसी भी चीज़ को आप मैंने जो है कि जो matter से बनी है उसको आप living बोल दोगे, नहीं। Those are living beings is also made up of molecules. Just those molecules put together do not make an organisms. अब जैसे लिविंग थिंग्स हैं वो मॉलिक्यूल के बने होते हैं, तो इसलिए हम किसी भी मॉलिक्यूल को साथ में रख के नहीं बोल सकते कि लो एक ऑर्गेनिज्म बन गया। द मोस्ट बेसिक यूनिट और स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज सेल। किसी भी ऑर्गेनिज्म की या फिर लिविंग थिंग्स की जो बेसिक स्ट्रक्चर होती है जिससे वो बनता है वो होती है सेल। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टार्ट फ्रॉम अ सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो उनकी जो स्ट्रक्चरल यूनिट है वो किससे बनते हैं, सेल से बनते हैं। इसलिए जो उनकी लिविंग थिंग्स हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, एक सेल से स्टार्ट होते हैं। विच डिवाइड्स एंड रीडिवाइज टू गिव राइज टू एन टू द ऑर्गेनिज्म। जो कि सेल है वो क्या करती है, आपस में डिवाइड होती है, फिर वापस डिवाइड होती है और एक ऑर्गेनिज्म को बनाती है। मतलब बहुत सारे सेल मिलकर आपस में कनेक्ट होती है तब जाके क्या बनता है, एक ऑर्गेनिज्म बनता है। नेक्स्ट,
What characteristics a living beings have? अब living beings के characteristics गुण क्या क्या होते हैं ये देखते हैं. Let us discuss all the features which characterize a living being and distinguish it from non-living things. अब हमारे पास के आसपास की हम चीज़ों को ऑब्जर्व करना है और लिविंग थिंग्स को हमको कैरेक्टराइज करना है और उनके अंदर हमको डिफरेंस जानना है कि नॉन लिविंग थिंग्स से वो कैसे अलग है. We will start with the fact that all living beings are made up of cells. और सबसे पहला जो हम फैक्ट से स्टार्ट कर सकते हैं वो है कि जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं, जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं, सारे किसके बने होते हैं? सेल्स के बने होते हैं. जबकि नॉन लिविंग थिंग्स मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं. सिंपली वे में अगर हम इसको डिस्क्राइब करें, लिविंग बींग्स आर मेड ऑफ सेल्स. तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है इनकी क्या जो है हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग बींग्स हैं वो सब सेल के बने होते हैं. What is a cell? अब cell क्या होती है? You could say it is that the smallest unit or thing which is capable of life. So अगर हम cell की बात करें तो हम कह सकते हैं कि एक सबसे smallest unit होती है, किसी भी unit होती है, thing होती है जिसके अंदर life होती है, life के लिए capable होती है वो. You will learn more about the cell later. और आगे की क्लास में, बड़ी क्लासों में सेल के बारे में और आएगा. अभी आप सिर्फ इतना जानना है कि सेल है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जो किसी भी लाइफ के लिए कैपेबल है. उसके अंदर लाइफ होती है और लाइफ ऐसी बहुत सारी सेल मिलके एक लिविंग ऑर्गेनिज्म क्रिएट करती हैं. You can at least see what a cell look like under the microscope. Microscope के ज़रिए आप देख सकते हो क्या एक सेल कैसे दिखती है. हमारे पास यहाँ टू पिक्चर दे रखी है. सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप, फर्स्ट है जो ऑनियन लीफ पील आता है और प्याज का छिलका आता है उसकी है, और दूसरा है वो है रियो लीफ पील जो है, एक और लीफ पील है उसका पत्ती का छिलका है उसकी. आपके पास एक पिक्चर है, सेल ऐसी दिखती है आपकी. नेक्स्ट हमारे पास है डू यू नो पॉइंट. देर आर ओवर 400,000 डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स. हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर 400,000 से भी ज़्यादा जो है प्लांट्स की स्पीशीज़ हैं, अलग अलग तरीके के प्लांट्स हैं. प्लांट्स कैन बी स्मॉल एंड सिंपल लाइक मूस और ह्यूज लाइक जाइंट स्क्वायर ट्री. अब जो प्लांट्स हैं वो मूस जैसे बहुत छोटे भी हो सकते हैं या जाइंट स्क्वायर ट्रीज जैसे बहुत बड़े भी हो सकते हैं. चेक सेल अंडर द माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप के अंदर आप सेल चेक करोगे तो कुछ बहुत अलग अलग शेप की आपको दिखेगी. अगर आप किसी इंसान की या एनिमल की स्किन का अगर सेल देखोगे तो उसका शेप और साइज़ है, उसका अंदर का स्ट्रक्चर थोड़ा अलग दिखेगा. किसी आप वेजिटेबल्स की लीफ वगैरह या उनकी जो और कोई स्ट्रक्चरल यूनिट वगैरह या फिर उनकी स्किन वगैरह आप उनकी सेल देखोगे तो उनका स्ट्रक्चर वगैरह पूरा शेप वगैरह आपको अलग दिखेगा. प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों का स्ट्रक्चर शेप अलग होता है. All living beings are made up of cells. जितने भी living beings हैं सब किसकी बनी होती है? सेल की बनी होती हैं. ये आप जान लीजिए, सेल के ही बने होते हैं. हमारी बॉडी भी सेल से बनी है. बट एज यू हैव सीन फॉर योर सेल्फ ऑल सेल डो नॉट लुक अलाइक. लेकिन आपको पता होगा जैसे यहाँ पे हमारे पास दो पिक्चर थी और भी, इन दोनों की सेल्स भी एक जैसे नहीं दिख रही हैं, तो ऑब्वियसली बाकी की तो हम क्या बात ही करें कि एक जैसे दिखेंगी. सेल्स आर ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड शेप्स एंड द परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन. सेल्स हैं अलग अलग साइज की, अलग अलग शेप की होती है और उनका काम जो है, फंक्शन जो है वो भी अलग अलग होता है. द ऑनियन सेल्स यू ऑब्जर्व फॉर एग्जाम्पल. अब एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जो ऑनियन सेल हमने देखी थी, अ कवरिंग एंड प्रोटेक्ट द अदर सेल्स इनसाइड द ऑनियन लीफ. अब जो हमने ऑनियन वाली जो ऑनियन लीफ पील देखी थी उस वो क्या काम करती है, वो कवर करती है ऑनियन को और वो जो बाकी की जो सेल है उसके अंदर, ऑनियन की लीफ के अंदर जो सेल है उन सबको वो प्रोटेक्ट करती है. मतलब बाहर का जो टुकड़ा है प्याज का जो छिलका होता है वो क्या करता है, बाकी अंदर वाले प्याज के लेयर्स को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, उनको कवर कर रहा होता है. तो उसका काम डिफरेंट है, जबकि अंदर वाली लेयर है उनका काम डिफरेंट है. तो यहाँ पे है एक जो है स्किन जो पील होता है, एक वेजिटेबल का जो स्किन पील होता है उसी का काम इतना अलग है. तो बाकी जो है कैटेगरी की जो सेल्स हैं उनकी तो बहुत ही अलग अलग जो है काम हो सकते हैं, फंक्शंस हो सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग बींग्स. लिविंग बींग्स में सेल कैसे ऑर्गेनाइज होती हैं, कैसे पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है, ऑर्गन बनता है, ये हम जानेंगे इसमें. ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग बींग्स, लेट्स जूम इट. सो
सम ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल्स, कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि सिर्फ एक सेल से बनते हैं, जबकि कुछ होते हैं वो बहुत 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 सारे सेल्स यूज़ करने पर फिर बनते हैं। सो जो सिंगल सेल से बनते हैं उनको हम बोलते हैं माइक्रो सेलुलर ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया विच कैन कॉज विच कॉज डिजीज एंड ऑल्सो डू हेल्पफुल थिंग्स लाइक चेंजिंग मिल्क इन टू योगर्ट और सम ऑर्गेनिजम्स। बैक्टीरिया सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स भी हो सकता है और बैक्टीरिया के अंदर मल्टी सेल्स भी हो सकते हैं। तो बैक्टीरिया है नॉर्मली हम अगर हम बात करें तो सिंपल कैटेगरी में सिंगल सेल में आता है, जो कि बीमारियों की वजह बन सकता है। और उसके अलावा हमारे लिए हमारी लाइफ में कुछ हेल्पफुल काम भी कर देता है बैक्टीरिया। फॉर एग्जांपल जो मिल्क है, मिल्क से जो दही जमता है वो बैक्टीरिया की वजह से भी जमता है। और ये ऐसे का जो है ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिनमें एक सेल होती है। सो आर अमीबा एंड यीस्ट यूज टू मेक वाइन एंड ब्रेड। और वैसे ही जैसे बैक्टीरिया सिंगल सेल है, सिंगल सेल का होता है, वैसे ही अमीबा और यीस्ट जो होती हैं, अमीबा और यीस्ट है वाइन और ब्रेड बनाने में काम आती हैं। सो अमीबा और यीस्ट है वो भी क्या है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। ऑन द अदर हैंड द एनिमल्स एंड प्लांट्स वी सी अराउंड अस आर मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सेल। लेकिन अगर हम दूसरे तरफ देखें जो हमारे आसपास प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, हम खुद हैं, हमारे अंदर सिर्फ एक दो सेल नहीं है बल्कि लाखों करोड़ों बहुत सारी अनगिनत सेल है। हमको एक्चुअली इनके नंबर काउंट भी करना नहीं आएगा। सो ये सब है थाउजेंड्स ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं। दीज सेल्स आर नॉट पुट टुगेदर एनी ओल्ड वेज। लेकिन ये सेल हैं वो आपस में किसी भी तरीके से आप साथ में रख के ऑर्गेनिज्म नहीं बन जाएगा, इनका स्पेसिफिक वो होता है। दे आर ऑर्गेनाइज इंटू स्पेशल ग्रुप्स विच परफॉर्म स्पेशल फंक्शन। जितने भी सेल है वो आपस में कैसे मिलती हैं, कैसे जुड़ती हैं, इसका एक पूरा एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया है। जितने भी जो स्पेसिफिक जो सेल्स हैं वो क्या करती है, एक स्पेशल ग्रुप में स्पेशल मेथड के अंदर आपस में कंबाइन होती हैं और कुछ वो स्पेशल फंक्शन जो है करती हैं, परफॉर्म करती हैं। सच ग्रुप्स ऑफ सेल्स विच आर सिंपलर एंड परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन आर कॉल्ड टिश्यू। और ऐसी जो सेल्स का ग्रुप है जो कि एक सी होती हैं और एक कुछ खास काम जो है वो करती हैं, तो उन सेल्स को हम बोलते हैं साथ में टिश्यू। मतलब एक जैसी सेल मिलकर क्या बनाएंगी, टिश्यू बनाएंगी। और वो एक जैसी सेल है, एक जैसा काम करेंगी, एक जैसी होंगी, इसीलिए वो टिश्यू बना रही है। टिश्यू में सेम टाइप की सेल्स होती है। द सेल्स ऑफ ओनियन पील फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ले जो ओनियन के छिलके का जो सेल था वो क्या करता है, उसको कवर करने का और ओनियन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, तो वो क्या है, एक टिश्यू है। आर सिमिलर एंड दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्टिंग द लीफ। जो जितने भी है उसके छिलका है वो सारे सिमिलर होते हैं और वो सारा का सारा जो उसको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। इन अदर वर्ड्स दे फॉर्म प्रोटेक्टिव टिश्यू। अगर हम दूसरे शब्दों में इसका नाम ले तो इसका नाम हो जाता है प्रोटेक्टिव टिश्यू, उसको प्रोटेक्ट करने वाला टिश्यू। द चेक सेल यू ऑब्जर्व ऑल्सो फ्रॉम ए प्रोटेक्टिव टिश्यू। और उसके अलावा हमने जो है चेक सेल्स जो हमने देखी थी वो भी क्या है, प्रोटेक्टिव टिश्यू है। द चेक एंड द लीफ हैव अदर काइंड ऑफ टिश्यू एज वेल। सॉरी, जो चीक है और जो लीफ है उसकी वो और भी ऐसे बहुत सारे टिश्यू हैं ऐसे जैसे इससे काम करते हैं। द चीक फॉर एग्जाम्पल हैज़ मसल्स विच मेक इट मूव। और जो चीक होता है वो उसमें मसल्स होते हैं जो कि उसको मूव करने में, हिलने में हेल्प करते हैं। मसल्स आर मेड अप ऑफ मसल टिश्यू। अब जो हमारे मसल्स हैं वो किसके बने होते हैं, मसल टिश्यू के बने होते हैं। हुज फंक्शन इज़ टू हेल्प मूवमेंट। और उन मसल्स का क्या काम होता है, मूवमेंट में हेल्प करना काम होता है। मसल्स का काम होता है कि वो मूव करवाएं, किसी भी टिश्यू को हिलाएं। सिमिलरली द लीफ हैज़ मैनी डिफरेंट टिश्यू। सो जो है वैसे लीफ के अंदर बहुत सारे टिश्यू होते हैं। ऑल दिस टिश्यू आर ग्रुप टुगेदर टू हेल्प द लीफ परफॉर्म इट्स फंक्शन। और जितने भी टिश्यू हैं सारे के सारे साथ में ग्रुप किए जाते हैं और ताकि जो है इस लीफ को अपना काम करने में जो है हेल्प कर सकें। सच अ ग्रुप ऑफ टिश्यू विच वर्क टुगेदर टू परफॉर्म वन और मोर फंक्शन इज कॉल्ड ऑर्गन। सो ऐसे ही जो टिश्यू हैं जो साथ में काम करते हैं और कोई स्पेसिफिक फंक्शन को पूरा करते हैं, स्पेसिफिक काम को पूरा करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गन बोलते हैं। तो ऐसे क्या हो गया, बहुत सारी सेम सेल मिलकर क्या बनाती हैं, टिश्यू बनाती हैं। और ऐसे ही जो है टिश्यू जो साथ में काम करने वाले, जो एक जैसे काम करने वाले टिश्यू साथ में मिलकर क्या बनाएंगे, ऑर्गन बनाएंगे। और एक जैसे ऑर्गन है, एक जो साथ में काम करने वाले ऑर्गन है वो क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। और ऑर्गन सिस्टम मिलकर हमारा बॉडी बनाएंगे। द लीफ इज़ एन ऑर्गन ऑफ ए प्लांट। लीफ क्या है, पत्ती क्या है, एक प्लांट का ऑर्गन हो गया। और वो पत्ती कैसे बन रही है, उसकी बहुत सेल टिश्यू से बन रही है।
एंड द आई द हर्ट एंड द टंग आर सम ऑर्गन्स इन योर बॉडी. सो ऐसे ही हमारी आँख है, हमारी हमारा हर्ट है, हमारी टंग है, वो क्या हो गया, ऑर्गन्स हो गए हमारी बॉडी के. द टंग इज़ एन ऑर्गन विच हेल्प्स यू स्पीक एंड शैलो फूड. अब जो टंग है वो एक ऑर्गन है जो हमको खाना निगलने में और हमको खाना जो है बोलने में हेल्प करती है. ऑल द टिश्यू ऑफ द टंग कोऑपरेट टू मेक इट परफॉर्म दीज फंक्शन. और जितने भी टिश्यू हैं टंग के सारे साथ में काम करते हैं, एक दूसरे से कोऑपरेट करते हैं ताकि जो काम है वो परफॉर्म कर सके टंग ईजीली, बोलने का और खाने को शैलो करने का, निगलने का. शैलो करना मतलब निगलना. तो खाने को निगलने का और बोलने का काम टंग ईजीली कर सके, इसके लिए उस टंग के जितने भी टिश्यू हैं सारे एक दूसरे से कोऑपरेट करके काम करते हैं. सो हमारे पास यहाँ पर पिक्चर है. तो ऑर्गेनिज्म इन लिविंग बींग्स, किसी भी लिविंग बींग्स में ऑर्गेनिज्म कैसे होता है. सो जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो सेल से बने होते हैं. सेल एक जैसे सेल है, आपस में मिलके क्या बनाती है, टिश्यू बनाती है. और वो टिश्यू है सेम फंक्शन करने वाले टिश्यू हैं, आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं. ठीक है, और ऑर्गन्स हैं आपस में जो है मिलकर क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे. और ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनाएगा, इंडिविजुअल या ऑर्गन पूरा का पूरा इंसान को, जितना भी जो भी है ह्यूमन बींग है या प्लांट है, जो भी ऑर्गेनिज्म है उसको बनाएगा. सो पूरा है जो हमारा जो जो है ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है लिविंग बींग्स का, ये हमारे पास यहाँ पे दे रखा है. नेक्स्ट क्लास में हम जो है यहाँ से स्टार्ट करेंगे जो है इसके जो है जितना भी ऑर्गेनिज्म्स हैं लिविंग थिंग्स हैं उनका ऑर्गेनाइजेशन कैसे और प्रॉपरली होता है, कैसे पूरा बनता है, इसको हम डिस्क्राइब करेंगे. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.